नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अजत ओबराय है। प्रोफेशनली मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ। मैंने मास्टर्स किया है एस्ट्रोलॉजी में, एडवांस एस्ट्रोलॉजी में, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में एंड एनएलपी में। एनएलपी मतलब होता है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, जिसको माइंड की प्रोग्रामिंग कहा जाता है। दोस्तों, आज जो मैं टॉपिक पे बात करने वाला हूँ वो बहुत पैनिक टॉपिक है, बहुत परेशानी से घिरा हुआ टॉपिक है। ये चीज जिस पे भी आ जाती है, यू कैन से उसकी घिर के आ जाती है। सो ये टॉपिक है लीगल एक्शन, लीगल मैटर, कोर्ट केस, पुलिस केस, जेल योग। जैसे आप जानते हैं कि हम कलयुग में जी रहे हैं। अगर ये सतयुग होता तो सतयुग के लोग होते जो पाप नहीं करते, जो झूठ नहीं बोलते, बट ये है कलयुग। और कलयुग कहा जाता है कि जो यहां इस टाइम पे इस दुनिया में कलयुग में झूठ नहीं बोलता है वो सक्सेस नहीं हो सकता। तो जो जैसे सतयुग होता है, कलयुग होता है, त्रेता युग था, तो इन युगों में जो प्रॉब्लम नहीं आई वो इस युग में आ रही है। जैसे जेल, कोर्ट केस, लीगल मैटर, ये कलयुग में ही ज्यादा आप देखोगे। पहले सतयुग में या उससे पहले कोई भी युग में ये सब इतना नहीं होता था। आज जो मैं आपको जानकारी देने वाला हूं वो है कि आपकी लाइफ में किसी भी तरह का लीगल मैटर, कोर्ट केस, पुलिस केस, जेल योग, नाम खराब होने का योग अगर चल रहा है तो ऐसा क्या किया जाए जिससे आप उससे बहुत आसानी से बच सकते हैं। देखिए, अब वो सच है, आप पे जो केस चल रहे हैं या जो प्रॉब्लम है वो सच है या झूठ है वो सेकेंडरी है, उसको साइड में रखिए। पहले कुंडली के बेस पे ये जाना जा सकता है कि किसकी लाइफ में लीगल मैटर, कोर्ट केस, पुलिस केस आएगा या नहीं आएगा। और आपने देखा होगा कई लोग पे कोर्ट केस चलते लेकिन उनको सजा नहीं होती है, या कई लोग को तुरंत सजा हो जाती है। तो ये योग होते हैं कुंडली के अंदर। कुंडली को एक तरह से देखा जाता है जिससे हमको मालूम पड़ता है कि ये पर्सन की लाइफ में नाम खराब होने का कितना योग है। एक होता है पब्लिकली नाम खराब होना, मतलब लोगों की नजर में बदनाम हो जाना, और दूसरा होता है पर्सनल लेवल पे, मतलब एक कई बार आपने कुछ गलतियां की होगी जो फैमिली आपसे बहुत डिस्टर्ब होगी, आप लोग आपको गलत समझने लगे, वो फैमिली मैटर तक रहता है। लेकिन एक होता है पब्लिक डिफेम, जिसमें बोलते हैं पब्लिकली नाम खराब हो जाना कि बहुत लोग जानते हैं कि आपने गलत किया वगैरह वगैरह। तो इस तरह के योग कुंडली में बहुत आसानी से पहचाने जा सकते हैं, और इस तरह के योग का अगर पहले से सॉल्यूशन किया जाए तो बहुत आसानी से इंसान चीजों से बचते हुए निकल जाता है। जैसे एग्जांपल, कई लोग कुछ नहीं करते तो भी फंस जाते हैं, तो वो ऐसा क्या करे कि जिंदगी में इस तरह के अपयश वाले योग उनकी कुंडली में ना आए, उनका नाम ना खराब हो, कभी कोई मैटर में ना फंसे। तो इस तरह की चीजों में एक एग्जांपल देना चाहूंगा। अभी कुछ टाइम पहले की बात है, लगभग एक 5 से 6 साल पहले की बात है, एक पुलिस ऑफिसर मेरे पास आए थे और उनपे किसी फीमेल ने रिश्वत का वो कर दिया था, इल्जाम लगा दिया था। तो उनको वो 1.5-2 साल से मतलब सस्पेंड हो गए थे और उनकी नौकरी, मतलब ये बड़े ऑफिसर थे, कोई छोटे ऑफिसर नहीं थे, लेकिन फिर भी वो केस चल रहा था तब तक वो सस्पेंड थे और ये 2 साल हो गया था। वो बहुत परेशान थे, उन्होंने बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर के पास जाके उन्होंने, और वो बिलीवर थे एस्ट्रोलॉजर के। अच्छा, इट डजंट मेक डिफरेंस, ये फर्क नहीं लगता कि आप बिलीव करते हो या नहीं करते। जैसे आग को छूओगे तो चटका लगेगा लगेगा, उसी तरह से अगर सही एस्ट्रोलॉजर से आपने कंसल्ट किया तो आपको रिजल्ट आएगा आएगा। तो वो पर्सन मेरे पास आए, उन्होंने मुझे बोला कि अजय जी मेरी कुंडली देखिए। उन्होंने कुछ नहीं बताया था मुझे, मैंने कुंडली देख के बोला कि मैंने कहा कि आप पे केस चल रहा है और किसी फीमेल के थ्रू केस हुआ है। ही शॉक्ड, क्योंकि इतनी डिटेल में किसी ने उनको बताया नहीं था ये बात। तो उन्होंने बोला, अजय जी ये आपने कैसे जाना। मैंने बोला ये कुंडली का ऐसा सहयोग होता जिससे हमको मालूम पड़ता है कि आपकी लाइफ में आप जेल, पुलिस केस, कोर्ट केस भोगोगे या लीगल मैटर आएगा। बोलते अजय जी क्या प्रॉब्लम है। मैं बोला ये प्रॉब्लम इंक्रीज होने वाला है और ये बड़ी प्रॉब्लम में आपको डाल देगी। तो उन्होंने मुझे पूछा कि अजय जी ऐसा कुछ हो सकता है कि मैं इससे बच सकूं। मैंने बोला हाँ हो सकता है। जैसे आप लोग जानते हो मैं रॉन्ग राइट नहीं समझता, मेरा ऐसा सोच है कि मेरे पास जो पर्सन आया है उसको एक शक्ति या भगवान ने भेजा है जिसकी मुझे मदद करनी है, आई बिलीव इन दैट। तो मैंने उनको कुछ चीज सजेस्ट की स्ट्रिक्टली, बहुत छोटी मोटी चीज होती, मेरी चीज कोई बहुत
डिफिकल्ट नहीं होती है कि वो ना कर पाए, कोई ना कर सके, बहुत इजी वे होता है। मैंने उनको एक दो स्टोन बताए और कुछ डोनेट थेरेपी बताई, कुछ कलर थेरेपी बताई, ये तीन चीज मैंने कराई और जो बहुत इजी थी और ही फॉलोड दैट थिंग्स। आप बिलीव करोगे 4 या 4.5 मंथ में जिस फीमेल ने उन पे केस किया था उन्होंने खुद विड्रॉ किया केस, जबकि वो मैटर 2 साल से चल रहा था, उन्होंने सब चीज ट्राई करके देख ली बट नहीं हो पाया। ये तो एक छोटा सा मैटर था जो मैंने आपको बता दिया और ये सच है। और अगर किसी की कुंडली में इस तरह के योग है तो वो नहीं करने वाला इंसान भी फंस जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक और मैं मैटर बताना चाहूंगा लेकिन वो थोड़ा सा बहुत डीप है तो मैं बाद में सोचूंगा मैं उस पर बताऊं या नहीं बताऊं। लेकिन हाँ, अगर आप किसी भी तरह से जूझ रहे हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी का मैटर चल रहा है, प्रॉपर्टी आपकी फंसी हुई है, उस पर कोर्ट केस चल रहा है, या मान लो आपने आप बिल्डर हैं, आपने कंस्ट्रक्ट किया और किसी ने ऑब्जेक्शन एनओसी ले लिया, मतलब आपने एनओसी नहीं लिया और किसी ने आप पे केस कर दिया और आपका काम चलते चलते रुक गया है, वो भी ठीक कर सकते हैं। अगर मान लो किसी ने आप पे इल्ज़ाम लगाया है वो ठीक कर सकते हैं। कभी कभी आपने कुछ नहीं किया फिर भी आप पे ब्लेम आ जाते हैं तो वो ठीक कर सकते हैं। तो किसी भी तरह के लीगल मैटर को, कई बार ऐसा होता है कि कोई कोर्ट केस चल रहा है, बहुत लंबे टाइम तक चल रहा है और आप उससे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उसको भी ईजीली ठीक किया जा सकता है। कई बार ऐसा होता है कि पैसे के मैटर में कोई हम पे केस कर देता है या हम किसी पे कर देते हैं, वो भी मैटर चलते रहता है, वो रिजॉल्व नहीं हो पाता है, वो भी ठीक कर सकते हैं। इसमें कई बार ऐसा होता है कि कई लोग कुछ गलतियां कर लेते हैं लाइफ में, ठीक है, और उसके वजह से वो किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं और उनकी लाइफ वहीं स्पॉइल्ड हो जाती है। तो अगर सही टाइम पे इसका सॉल्यूशन किया जाए तो बहुत फास्ट वे में इसको ठीक किया जा सकता है। मुझे एक पर्सन आए थे मेरे पास, ही इज बीएमसी के बड़े ऑफिसर थे, ही आस्क मी कि अजय जी, ऐसा तो बहुत लोगों की लाइफ में लीगल मैटर आता है या नाम खराब होने का योग आता है, क्योंकि चाहे कोई भी हो, चाहे वो कोई बड़ा ऑफिसर हो, चाहे कोई छोटा इंसान हो, ब्लेम तो हर किसी की लाइफ में छोटे या बड़े लेवल पे लगते हैं। तो ही आस्क मी क्या ऐसा किया जा सकता है कि हम अपनी लाइफ में कोई लीगल ना हो, कभी नाम ना खराब है, इस तरह की पीसफुल लाइफ जी सकते हैं। मैंने उनसे कहा हाँ, बिकॉज कुंडली में बता देती है। देखिए क्या होता है कि आपकी कुंडली में एक ग्रह आपके लीगल मैटर लाने वाला है तो बचपन में ही मालूम पड़ जाता है वो लीगल मैटर आने वाला है, लेकिन वो कब आएगा उस ग्रह की महादशा या अंतरदशा में। जैसे एग्जाम्पल मैं बताऊंगा तो आप तो एस्ट्रोलॉजर नहीं हो तो महादशा अंतरदशा या बाकी चीजें आपको ज्यादा समझ में नहीं आएगी, बट एक कॉमन बात बोलता हूँ कि आपका एक बहुत बड़ा दुश्मन है लेकिन वो एक सिंपल सा आदमी है, ओके, और आपके बाजू में रहता है तो वो आपको थोड़ा बहुत हार्म कर सकता है, कभी कभी थोड़ी तकलीफ दे देगा वगैरह वगैरह। लेकिन अगर वो कोई कॉर्पोरेटर बन जाए या एमएलए बन जाए और तुम्हारे एरिया में आ जाए तब क्या होगा, तब आपको जितना आप सोचते हो उससे भी ज्यादा हार्म कर सकता है। कुंडली ऐसी ही होती है, कुंडली में कोई ग्रह आपको जेल भेजने वाला होता है लेकिन वो तुरंत भेज नहीं देता है। जब उस ग्रह की महादशा, उसका टाइम होता है, अंतरदशा में आता है तब वो उठा के सीधा जेल, पुलिस केस, कोर्ट केस में डाल देता है। अब उस ग्रह के आने से पहले या उसके आने के बाद, मैं बता दूं घटना घटने के बाद भी ठीक किया जा सकता है, बट अगर आने से पहले उस ग्रह को वीक कर दिया जाए, भाई जो नॉर्मल आदमी एमएलए बनने वाला है उसको एमएलए बनने ही ना दिया जाए और जो उसकी आज की तारीख में उसकी स्ट्रेंथ है उसको भी वीक कर दिया जाए तो वो हार्म नहीं कर सकता। इसी तरह से उस ग्रह को पहले से ही कमजोर किया जाए तो वो जो लेवल इंटेंसिटी होती है जो उसकी जो 100% नुकसान करने वाली होती है वो 2-3% नुकसान करती है, और 2-3% में कुछ नहीं होता है, ना कोई बड़े लेवल पे कोई प्रॉब्लम आती है। तो कई लोग देखो बहुत कुछ करते हैं, मैंने जैसे कहा ये कलयुग है, इस दुनिया में सात्विक बहुत रेयर केस में कोई मिलता है, लेकिन हर इंसान ने कुछ ना कुछ कभी ना कभी छोटे या बड़े लेवल पे गलत किया होता है। लेकिन कुछ लोग छोटा भी करते हैं तो पकड़े जाते हैं, नाम खराब हो जाता है, वैल्यू खराब हो जाती है, बदनाम हो जाते हैं, और कुछ लोग बड़े बड़े कांड करते हैं तो भी कुछ नहीं होता है उनको। यही होता है ग्रह का प्रभाव। अच्छा, जो भी गलत कर रहा है वो कभी ना कभी पकड़े जाता है, ये एक वो होता है कि कर्म का उसका इफेक्ट आना। लेकिन अगर सही टाइम पे ग्रह को ठीक कर दिया जाए तो वो कर्म ही नहीं होंगे। एकदम सच है कि तुम कुछ बहुत बड़ा गलत काम करते हो तो कभी ना कभी उसको प्रॉब्लम आपको आना है, लेकिन वो कर्म किया कैसे आपने, आपके माइंड ने बोला,
चलो ये अब मेरे पास कोई चारा नहीं है, अब मुझे ये करना चाहिए, ये करूंगा तो शायद मैं बहुत पैसा अर्जित कर लूंगा, बहुत कमा लूंगा। और आपने वो किया। अरे बोला किसने? आपके माइंड ने ना। वो माइंड कैसे जनरेट होता है? आपके जो थॉट आते हैं वो ग्रह से आते हैं। तो वो ग्रह आया, उसने माइंड में एक थॉट डाला कि भाई उल्टे सीधे करके पैसा कमाओ, और आपने वो एक्शन में डाल दिया और आपने किया, तो वो गलत हो गया। अगर उसी टाइम पे उस ग्रह को ठीक कर दिया जाए तो वो जो थॉट आते हैं, जो बुरे थॉट आते हैं, वो आते ही नहीं है। और बुरे थॉट नहीं आएंगे तो आप बुरा काम करोगे नहीं, और बुरा काम नहीं करोगे तो बाकी सब चीज से आप बचे रहोगे। तो मान लो किसी ने कुछ गलत कर लिया है तो उसको भी रोका जा सकता है। अभी कई लोग हमारे पास आते हैं, अजय जी हमारे रिलेटिव्स है जेल में है, जामीन नहीं हो रही है, तो मैं उनको वे बताता हूँ और 98% सॉल्यूशन होता है। बहुत ईजी है। एक ग्रह ने उनको जेल में भेजा, उसको उसी ग्रह को बहुत वीक कर दो तो वो बाहर भी निकाल देगा। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा, यू विल मेक आउट इजिली। जैसे आपका एक दोस्त है जिसके पास लग्जरी का डिपार्टमेंट है, बहुत पावरफुल है, वो दुनिया की लग्जरी लेके बैठा हुआ है, और एक ऐसा दुश्मन है जो आपको जेल में डालना चाहता है। आपको सिर्फ इतना करना है कि जो जेल में डालने वाला ग्रह है उसको कमजोर करो। एक वे है, एक तरीका है, वो मैं नहीं बता सकता हम क्या करते हैं। तो एक तरीका है जिससे वो जेल भेजने वाला ग्रह बहुत कमजोर हो जाए, और उसी टाइम पे जो लग्जरी देने वाला है, एंजॉयमेंट देने वाला है, फन देने वाला है, शानदार लाइफ देने वाला है, उस ग्रह को हाई लेवल पे एक्टिवेट कर दो, तो पर्सन को ना जेल होगी ना कोर्ट केस होगा, बिकॉज उसकी कुंडली में लग्जरी का योग बढ़ जाता है। अब इंसान जेल में जाता है तो जेल में कोई लग्जरी नहीं होती है। तो वो कब होता है देखो ना, कई लोग, मैं नाम नहीं बोलूंगा, लेकिन कई फिल्म स्टार ने गलत किया लेकिन वो जेल में नहीं गए, लेकिन कई लोग ने गलत किया और जेल में गए। कहीं ना कहीं उनका लग्जरी का ग्रह, बहुत फेमस होने का ग्रह कमजोर था। तो इससे ये होता है कि लग्जरी का ग्रह वीक होने के वजह से इंसान वंचित रहता है लग्जरी से। लग्जरी मतलब जेल, मतलब लग्जरी नहीं होती तो वो तुरंत अंदर चले जाता है। लेकिन उसी इमेज में अगर लग्जरी के ग्रह को एकदम पावरफुल कर दिया जाए, शानदार लाइफ के ग्रह एकदम पावरफुल कर दिया जाए, तो वो पर्सन शानदार लाइफ नहीं जिएगा। तो वो ग्रह किसी भी हालत में उसे जेल, पुलिस केस, कोर्ट केस में जाने नहीं देगा, या यू कैन से मतलब उसको उसकी लग्जरी से वंचित नहीं होने देगा। इट्स सिंपल लाइक दैट। बहुत सारे ग्रह मिलके जेल योग बनाते हैं, बहुत सारे ग्रह, लेकिन स्पेशली जेल में भेजने वाले राहु की महादशा अंतर की, राहु की महादशा अंतरदशा में लोग जेल में जाते हैं, केतु केस में जाते हैं, मंगल केस में जाते हैं, और शनि के इसमें जाते हैं ज्यादातर ये ग्रह जो है तुरंत, और सूर्य केस में भी कभी कभी नाम खराब होना और जेल योग बन जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल, मैं आपको एक चीज बताऊंगा, सिम्टम बताऊंगा। अगर आपके साथ वो है, आप मेरे पास आइए, गारंटेड रिजल्ट आएगा, गारंटी से। अगर आपकी लाइफ में कभी भी ट्यूसडे, सैटरडे और संडे, कौन कौन सा दिन, ट्यूसडे, सैटरडे और संडे, इन तीन दिन में से कभी भी आपकी लाइफ में नाम स्पॉइल्ड हुआ, नाम खराब हुआ, पुलिस केस हुआ, कोर्ट केस हुआ, किसने लीगल कर दिया है, कुछ बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, कोई इंसिडेंट हो गया है, कोई एक्सीडेंट हो गया है, अगर ये तीन दिन में वो घटना घटित हुई है, तो मेरा प्रॉमिस है उसको जड़ से ठीक कर सकते हैं। वापस रिपीट कर दूं, एवरी ट्यूजडे, सैटरडे एंड संडे, अगर आपकी लाइफ में कोई बड़ी घटना घटी है, किसने लीगल कर दिया, लीगल मैटर डाल दिया, किसी ने कोर्ट केस, पुलिस केस, नाम खराब होना, कोई बड़ी बड़ा इल्जाम लगा देना, अगर ये दिन हुआ है, जैसे एग्जांपल फॉर, मान लो आपने कुछ गलत किया और आपको पुलिस ट्यूसडे, सैटरडे या संडे को लेने आती है, समझ लो वो घटना को टाला जा सकता है। अगर मान लो कुछ प्रॉब्लम हो गया, आपने इनकम टैक्स में कुछ भरा नहीं है वगैरह वगैरह, और आपके घर पे धाड़ पड़ गई इनकम टैक्स की, या कोई भी, मतलब ये मैं सारी चीजों के बारे में बोल रहा हूँ, इट्स नॉट कनेक्टेड विथ ओनली इनकम टैक्स ओनली, तो किसी भी चीज से रिलेटेड लीगल मैटर अगर आपके आप फेस कर रहे हो ट्यूसडे, सैटरडे, संडे, तो समझ लेना वो जड़ से ठीक किया जा सकता है। लेकिन उसको ये जो है, ये एडवांस एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है, मतलब ये बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होना चाहिए। आम एस्ट्रोलॉजर करना तो छोड़ो, सोच भी नहीं सकता है कि इन चीज से कैसा बचा सकते हैं। मैं दिल्ली और पुणे के, दिल्ली और मुंबई के कुछ एस्ट्रोलॉजर जानता हूँ जो बहुत बेहतरीन है, और ऐसे तो बहुत सारे होंगे बेहतरीन, लेकिन मैं कुछ लोग को जानता हूँ जो बहुत बेस्ट है ये सब चीज में बचाने में। और अगर आप इस तरह की किसी सिचुएशन से घिरे हुए हैं और आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, डेफिनेटली इससे बाहर लाया जा सकता है। अच्छा, ये लीगल मैटर सिर्फ ये गलत काम के लिए ही नहीं बोल रहा हूं, अगर कोई मेल ने फीमेल पे लीगल मैटर किया तो भी बचाया जा सकता है, किसी फीमेल ने मेल पे लीगल मैटर किया तो भी बचाया जा सकता है। बचाया मतलब इन द सेंस, मैं कोई बड़े उसकी बात नहीं बोल रहा हूं, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं कि कुछ इल्जाम लग जाना, कुछ नाम खराब हो जाना,
कभी आपने आपसे कुछ गलती होगी जिसके वजह से आपको जामिन नहीं मिल पा रही है वगैरह वगैरह, तो ये चीजों को ठीक किया जा सकता है। आपने देखा होगा बड़े बड़े गवर्नमेंट सर्वेंट पे भी इल्जाम लग जाता है, बीएमसी ऑफिसर पे इल्जाम लग जाता है, पुलिस ऑफिसर जो बेचारे बहुत अच्छे होते हैं करते भी उन पे भी उन्होंने कुछ नहीं किया फिर भी इल्जाम लग जाता है, कुछ वकील लोग पे इल्जाम लग जाता है। आप देख रहे हो दुनिया में वी ऑल ह्यूमन बींग, कभी भी किसी डॉक्टर पे, डॉक्टर का पेशा तो बहुत ही पवित्र पेशा होता है, उसके बावजूद भी उनपे भी इल्जाम लग जाता है। तो कभी कभी वो कुछ करते हैं तो इल्जाम लगता है, कभी कभी कुछ नहीं करते तो भी लग जाता है, लेकिन चाहे उन्होंने कुछ किया हो चाहे ना किया हो, इस चीज की इंटेंसिटी, इनका पावर कम ज्यादा करके लाइफ को बेटर किया जा सकता है। ऐसा भी किया जा सकता है कि आप अपनी लाइफ में अपने ग्रह को काफी पहले से अगर आप ठीक करके रखो तो आपकी लाइफ में कभी भी कोई बड़ी चीज, बड़ी घटना कभी नहीं घटी होगी, घटेगी, और आप अपनी लाइफ को स्मूथली जिएंगे। क्योंकि कमाना खाना जिंदगी भर चलता रहता है, लेकिन कई लोग सिर्फ कोर्ट केस के नाम से उनकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, कई लोग लीगल मैटर के नाम से थोड़ा घबरा जाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि किसी ने कुछ एक छोटा सा केस कर दिया तो भी हालत खराब हो जाती है। तो ये चीजें बहुत आसानी से ठीक की जा सकती है, और अगर आप इस तरह के कुछ चीज फेस कर रहे हैं तो आप मेरे पास आके मुझे बताना मत क्या प्रॉब्लम है, आई विल टेल यू आप क्यों आए हो और आप किस तरह से प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो और उससे कैसे बच सकते हो। ये बहुत, असल में ये इतना बड़ा एंशियंट साइंस है कि आपकी लाइफ की हर घटनाओं को ठीक कर सकते हैं। जैसे मेरा बिलीफ है कि इस दुनिया में जो भी बीमारियां हैं, राइट, जो भी जो आ रही है, जो आ चुकी है, जो आने वाली है, उन सब का ट्रीटमेंट, उन सब का इलाज आयुर्वेद में है। उसी तरह से तुम्हारी लाइफ में जो भी घटना घटित हो रही है, चाहे कुछ भी हो, कितनी भी एक्सट्रीम हो, उन सब का ट्रीटमेंट, उस सब का सॉल्यूशन एस्ट्रोलॉजी में है। ये दोनों ही बहुत एंशियंट साइंस है और जिनको नकारा नहीं जा सकता। तो दोस्तों, अगर इस तरह की चीज से आप ग्रसित हो, चाहे आप मेल हो, चाहे फीमेल हो, चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे बूढ़े आदमी हो, किसी भी तरह का लीगल, चाहे वो फाइनेंस रिलेटेड लीगल हो या किसी और तरह का लीगल हो जिसमें आप जूझ रहे हो, आप बहुत परेशान हो और उस चीज से बचना चाहते हो लेकिन बच नहीं पा रहे हो, तो आप मेरे पास आइए, मैं डेफिनेटली आपको उसकी सही राय दूंगा और मेरे नॉलेज से आप अपनी प्रॉब्लम से बहुत फास्ट वे में बाहर आ जाएंगे। दोस्तों, ये मैं बता रहा हूँ, इसके लिए कुछ गलत ना समझिए, क्योंकि क्या होता है, हर इंसान को अपनी लाइफ में उतार चढ़ाव देखने पड़ते हैं। कोई भी अगर कुछ करता है गलत तो वो सिचुएशन वैसी होती है। एक इंसान एक सिचुएशन में बहुत शरीफ दिखता है लेकिन एक पर्टिकुलर सिचुएशन में उसका एक्शन बदल जाता है। तो लाइफ में ना हर कोई खराब है ना हर कोई अच्छा है, तो लाइफ ऐसी ही है। अगर कोई आदमी गलत करता है तो उसको लगता नहीं है कि वो गलत है, क्योंकि अगर उसको लगता वो गलत कर रहा है तो वो करता क्यों, उसके हिसाब से वो सही है। तो इस दुनिया में रॉन्ग राइट, ये एक इंसान के लिए जो राइट है दूसरे इंसान के लिए वो रॉन्ग भी हो सकता है, तो इस बात पे हमको ज्यादा वो नहीं करना है। मैं ये कहूंगा कि इस तरह की सिचुएशन में कभी आप स्टक हो, परेशान हो और आप उससे बाहर आना चाहते हो तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, गारंटेड 98% रिजल्ट आएंगे। हाँ, ये हो सकता है कि 3-4 महीने लगे या 5-6 महीने लगे, जड़ से आप उस चीज से बाहर आओगे विथ रिस्पेक्ट, दैट आई कैन प्रॉमिस। सो दोस्तों, अगर इस तरह की सिचुएशन में आप स्टक हो और आप परेशान हो तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। अगला टॉपिक हम अगली बार लेंगे बहुत बेहतरीन वे में, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, अगर ये टॉपिक पे मैंने जो बोला है ये बहुत क्रूशल और बहुत अजीब टॉपिक है और इस पे बोलने में भी लोग हिचकिचाते हैं, बट मैं बोल रहा हूँ, अगर मुझसे, मेरे बोलने से अगर किसी को हर्ट हुआ हो, किसी को तकलीफ हुई, तो उसके लिए मुझे क्षमा करना। और मेरी सलाह ये है कि अगर फ्यूचर में कभी आपको इस तरह की कोई सिचुएशन आए तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगली बार अगला टॉपिक लेंगे और अलग अंदाज से, तब तक के लिए धन्यवाद।